हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट SLE, और हम इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी पैथोलॉजी, सिम्टम्स एंड एसोसिएशन, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली कुछ चीज़ें मैं आपको पहले इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह हम इसके दीगर एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले SLE, हमें पता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज। तो जब भी हम ऑटो इम्यून का वर्ड यूज करते हैं तो हमारे जहन में कुछ चीजें जो है वो होनी चाहिए। सो बेसिकली नॉर्मली ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं, आपकी ये बॉडी है जिसका एक डिफेंस सिस्टम है, ये आपके नॉर्मल सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल, इन नॉर्मल सेल्स के अंदर जब भी कोई आपके पास वायरस, जब भी कोई बैक्टीरिया, माइक्रोब, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, इसके अंदर इन्वेट करता है बॉडी में, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इम्यून सिस्टम का डिफरेंट सेल्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं जो कि डिफरेंट साइटोकाइन्स रिलीज करके या एंटीबॉडीज जो है वो बना के या साइटोटॉक्सिक जो है वो टी सेल जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करके मैक्रोफेजेस के जरिए, फैगोसाइटोसिस के थ्रू हमारे पास इन सेल्स को इन्वेड करके इनको किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक हमारे पास सिस्टम होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। बट आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें, जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने लगा हूँ, ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ऑटो इम्यून का डिजीज का ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास किसी भी फैक्टर की वजह से जो आपके नॉर्मल सेल्स बॉडी में मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके नॉर्मल सेल्स मौजूद हैं, ये नॉर्मल सेल्स एज अ फॉरन पार्टिकल एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एज अ फॉरन पार्टिकल एक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है इनको रिकोगनाइज करता है एज अ फॉरन पार्टिकल और इन्हीं के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है। जब इन्हीं के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल जो है ये इसको डैमेज हुआ है या कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से ये एज अ फॉरन पार्टिकल एक्ट करना शुरू कर दे, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी। जब एंटीबॉडीज बनेंगी तो इसका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि हमारे पास जाके डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा नॉर्मल सेल्स की। अब हम आते हैं SLE की तरफ। SLE के अंदर क्या होता है? SLE सबसे पहले तो हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हीं के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। अब इसमें ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दूं, होता क्या है इसके अंदर। हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक हमारे पास इसमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अब हमारे पास होता यह है कि सबसे पहले हमारे पास ये बॉडी का एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल एक दो सेल्स ये पड़े हुए हैं, ठीक है। अब होना यह है कि हमारे पास ये जेनेटिकली ससेप्टिबल हैं ये सेल्स के, इनके ऊपर आके कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर एक्ट करेगा तो हमारे पास ये डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है जो कि सन एक्सपोजर एरिया के अंदर आती है, फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ गई हैं, या फिर हमारे पास कोई एक्सरे रेडिएशन आ गई हैं, या कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, माइक्रोब आ गए, एनीथिंग जिसने आके नॉर्मल सेल को डिस्टर्ब कर दिया। अब जब ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है तो हमारे पास आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है जिसके अंदर DNA पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आके इस DNA को हमारे पास क्या कर देती है, इस DNA को रप्चर कर देती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है और इसको पीसीज में कन्वर्ट कर देती है। सो यही सेल जो पहले नॉर्मल पड़ा हुआ था, इस सेल के अंदर से हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ये हमारे पास DNA को ये सारे पड़े हो जाते हैं, हमारे पास ये सारे के सारे पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। अब हमारे पास इस सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके हमारे पास ये एज अ प्रोटीन पार्टिकल एक्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब जब ये प्रोटीन पार्टिकल हमारे पास एक्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो अब हमारे पास आगे नेक्स्ट इसका आता है एक और जेनेटिक फैक्टर। अब नॉर्मली ये होता है कि आपके पास ये जेनेटिक पार्टिकल छोटे छोटे पड़े हुए हैं जो सेल रप्चर होने से रिलीज भी हो चुके हैं, ठीक है, ये बाय रिलीज हो चुके हैं। लेकिन अब होना क्या है, अब नॉर्मली ये होता है कि अगर ये पार्टिकल जो है वो इस तरह का कोई सेल डिस्ट्रॉय होता है और साथ एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती है, आपका सेल डिस्ट्रॉय होके एपोप्टोसिस हो जाती है इसकी सेल मेम्ब्रेन की, तो हमारे पास इसकी क्लियरेंस हो जाती है रीनल सिस्टम के थ्रू, ठीक है, किडनीज के थ्रू इसकी क्लियरेंस हो जाती है। बट जेनेटिकली ससेप्टिबल जो पर्सन है जिसके अंदर ऑलरेडी कोई मसला या प्रॉब्लम मौजूद है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये पार्टिकल्स, ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स और इसी तरह जो एपोप्टोटिक बॉडीज है, ये सारी की सारी बॉडीज क्लियर नहीं होती, तो प्रॉपरली क्लियर नहीं होती, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो भी हमारे पास अंडर डेवलप होता है, तो अर्ली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर। सो जेनेटिक फैक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम होता है। अब इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हमारे पास ये जो न्यूक्लियर पार्टिकल बन रहे थे, ये जो अंदर से रिलीज हुए थे, ये न्यूक्लियर पार्टिकल ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, अकोमोलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब जेनेटिक
जो फैक्टर है ये हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास डिफेंस सिस्टम है हमारा, इस डिफेंस सिस्टम को हमारे पास ये क्या करता है, ये इस तरह से स्टिमुलेट करता है, ये इस तरह से इसको रिकॉग्नाइज करवाता है कि ये सारे के सारे पार्टिकल जो बने हैं ये हमारे पास फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। सो ये इनको रिकॉग्नाइज करता है एज अ फॉरेन पार्टिकल्स। जब फॉरेन पार्टिकल्स के तौर पर एक्ट करता है तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियर प्रोटीन छोटी छोटी बनी थी, इन न्यूक्लियर प्रोटीन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, ये एंटीबॉडीज काफी सारी बन के इसके गिर्द आ जाती है। और ये एंटीबॉडीज अब क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट बना के, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करें एसएलई को, तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो एक सिस्टम है इसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो बनी न्यूक्लियर पार्टिकल के अगेंस्ट, उन्होंने एक कम्प्लेक्स बनाया एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स बनाया, और ये कम्प्लेक्स जो है वो डिपोजिट हो गया डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके। अभी जो कम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है डिफरेंट ऑर्गन में जाके, लाइक ये कम्प्लेक्स जो है एक जगह पे बना, वहां से ब्लड के अंदर चला गया सेल को लीकेज करते हुए, और फॉर एग्जाम्पल स्किन के अंदर जाके डिपॉजिट हो गया, हार्ट के अंदर जाके डिपॉजिट हो गया, जीआई के अंदर जाके डिपॉजिट हो गया, वो हम सिस्टम अभी डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ जाके डिपॉजिट होता है। तो हमारे पास वहां पे जाके ये क्या करता है, रेडनेस कॉज करता है, वहां पे जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ये वाला कम्प्लेक्स साइटोकाइन रिलीज करके। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, हिमाटोलॉजिकली जो डिफरेंट सेल्स होते हैं जैसे डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, आरबीसी सेल्स हैं, इनके खिलाफ भी जो काफी सारी एंटीबॉडीज हैं वो इनके ऊपर आके लग जाती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी इनकी सरफेस पे आके लग के इनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, इसको जैसे साइटोपिनिया हो जाता है। तो हमारे पास ये बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन टाइप 3 होती है जिसमें कम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है, और ये हाइपर सेंसिटिविटी कम्प्लेक्स ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 होती है जिसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है, और ये भी इसी तरह सिम्टम्स डिफरेंट तरह के प्रोड्यूस करते हैं। सो अब ये जो कम्प्लेक्स बना है या जो हमारे पास एंटीबॉडीज बनी है, ये जाके कहाँ कहाँ डिपॉजिट होंगी ये हम देखते हैं जी, बड़ा सिंपल सा इसका सिनेरियो आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस में सबसे पहले मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व है, और वहां पे जाके मोस्टली रेडनेस मेन इसका वर्ड है, रेडनेस कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल जो कॉम्प्लेक्स आया वो स्किन में आकर डिपोजिट हुआ, स्किन में दो तरह के रैश बनाता है, एक हम कहते हैं मेलर रैश, जो कि हमारे पास मेलर रैश को आप दूसरे वर्ड में बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं, ठीक है, स्किन एक्सपोज एरिया में होता है जहां पे आकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और दूसरा हमारे पास पैची रैश होता है, ठीक है, उस पैची रैश को हम डिस्कोइड रैश कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास पैची रैश, आगे मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ उसकी भी, ठीक है। तो हमारे पास स्किन के अंदर आ गया, इसके अलावा ये हमारे पास म्यूकोजा के अंदर चला जाएगा, म्यूकोजा जीआई के म्यूकोजा में चला जाएगा, वहां पे जाके अल्सरेशन कॉज कर देगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये सिरोजा के अंदर चला जाएगा, अब सिरोजा जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर जाके अगर हार्ट के आउटर लेयर में जाएगा तो वो हमारे पास पेरिकार्डाइटिस कॉज करेगा, अगर हमारे पास लंग्स की आउटर लेयर में जाएगा तो प्लूराइटिस कॉज करेगा, इसी तरह जिस लेयर में जाएगा वहां पर जाके ये कॉज करेगा। उसके अलावा हार्ट की बाकी लेयर्स को भी इफेक्ट करता है, तो हार्ट के अंदर जाके सिर्फ एक तरह की नहीं नॉर्मली बल्कि हार्ट की ये मायोकार्डाइटिस भी कॉज कर सकता है, एंडोकार्डाइटिस भी कॉज कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये बात कॉज करता है दैट इज लिब मैन सैक एंडोकार्डाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो हार्ट का वाल्व होता है एंडोकार्डाइटिस के अनुसार मिट्रल वाल्व होता है, इसके अंदर जाके फाइब्रिन और साथ ही इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाता है, तो वहां पे जाके ये एंडोकार्डाइटिस कॉज कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर जाकर डिपॉजिट करेगा प्लूराइटिस न्यूमोनाइटिस कॉज करेगा, एम्बोला या हेमरेज कर देगा, इसी तरह किडनी के अंदर जाएगा, जब ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स जाकर डिपॉजिट होगा हमारे पास तो हमारे पास ये जाकर ल्यूपस नेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलर डेपोजिशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास खासतौर पर मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव जो हमारे पास नेफ्राइटिस वो कॉज हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके अलावा मसल और ज्वाइंट में जाके अर्थराइटिस और ज्वाइंट पेन कॉज करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड के अगेंस्ट जो ब्लड सेल्स हैं इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है जिसके लिए एनीमिया और साइटोपिनिया सारी चीजें ये कॉज कर देता है। सो इस तरह से मेन इसका जो है वो सारा का सारा प्रॉब्लम जो है, तो आपने मेन इसका जो जहन में रखना है दैट इज स्किन सबसे पहले, फिर हार्ट की मेन सारी एनोमलीज आपने बतानी है, लंग्स की, किडनी की और म्यूकोजा, और देन हमारे पास मसल एंड ज्वाइंट्स की। आगे हम एक निमोनिक के थ्रू भी इसको डिस्कस करेंगे। सो अब आगे हम आते हैं, अब ये देखें ये आपके पास रैश है जिसको मैं आपको बता रहा था, ये आपके पास है जी बटरफ्लाई रैश है, ठीक है। ये हमारे पास स्किन एक्सपोज एरिया पे एक मेलर रैश है जो कि बटरफ्लाई रैश भी इसको कहते हैं, ये हमारे पास स्किन एक्सपोज एरिया, और ये हमारे पास पैची जो रैश है आपको नजर आ रही है, देखो ये पैची रैश आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास डिस्कोइड रैश है, ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर दो तीन मेन चीजें होती हैं। सो हमारे पास इसके अंदर जो मैंने आपको चीजें बताई थी कि टाइप
थ्री हाइपर सेंसिटिविटी एंड टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसके अंदर मोस्ट कॉमन होते हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करने लगे हैं वो इसका निमोनिक है, डेट इज रैश और पेन। आपने इससे याद रखना है, रैश आपको पता है मेलर रैश है, बटरफ्लाई रैश है, डिस्कोइड रैश कॉज करता है, उसके बाद ए से आर्थराइटिस कॉज करता है, सीरोसाइटिस में आपको बता चुका हूँ, सिरोजा की जो है प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस, हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर में साइटोपेनिया अनिमिया वगैरह कॉज करता है, ओरल नेसोफेरिंजियल अल्सर यानी कि म्यूकोसा को डैमेज करता है, रीनल डिजीज में म्यूरिनो प्रोलिफरेटिव कॉज करता है, फोटोसेंसिटिविटी। उसके अलावा ये हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी डिस्कस करते हैं और एंटी डीएनए भी डिस्कस करते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ये कॉज करता है। अब आगे हमारा इसका डायग्नोसिस, इसके डायग्नोसिस के लिए ना हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं जो मैं आपको भी बताने लगा हूं। अच्छा, डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो ना आपको पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो सारे के सारे पार्टिकल निकले, तो सबसे पहले इन न्यूक्लियर पार्टिकल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे, उन्हें हम कहते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज बनेंगी जो कि इसके अगेंस्ट होगी, लेकिन ये सेंसिटिव होंगी बट स्पेसिफिकली ये SLE के लिए नहीं होंगे, क्योंकि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी काफी सारी और डिजीजेज के अंदर भी जो है वो बनती है, खासतौर पर जैसे कि हमारे पास सिलोजन सिंड्रोम है उसके अंदर भी बन जाती है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो बनती है वो होती है एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। एंटी स्मिथ एंटीबॉडी ना स्पेसिफिकली SLE से रिलेटेड है, क्योंकि ये ना राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन जो निकलती है ना इस डेमी से, तो उन राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है जो कि इसके लिए स्पेसिफिक है। उसके अलावा डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटी, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है भी स्पेसिफिक है SLE के लिए। उसके अलावा एंटी फॉस्फोलिपिड जो है वो हमारे पे एंटीबॉडीज बनती है जो कि तीन तरह की होती हैं, एक होती है एंटी कार्डियोलिपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता है कि एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडी किसके अंदर बनती है, तो आपने बताना है कि ये SLE के अंदर बनती है जो कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी आगे कॉज करती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एंटी ल्यूपस एंटीबॉडीज बनती है, ये ल्यूपस एंटीबॉडीज भी इसको कहते हैं, और लास्ट नंबर पे एंटी बीटा टू ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज बनती है। तो ये तीन तरह की एंटीबॉडीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्पेसिफिकली इसके लिए। ठीक हो गया, सो ये हमारे पास SLE से रिलेटेड सारी चीजें थी, इसके मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी बता दी और इसके अलावा मैंने आपको इसके बता दिया साइंस एंड सिम्टम्स और निमोनिक भी। लास्ट नंबर पे जो आपको एक चीज बतानी है वो ये बतानी है कि ये एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी कॉज करता है। जब हमारे पास जो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज या एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास थ्रोम्बोसिस का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि लिपिड के अगेंस्ट एंटीबॉडी तो वो जाकर डिपॉजिट होती हैं या आर्टरीज के अंदर या वीनस के अंदर, तो हमारे पास जाके ये डिफरेंट जगह पे जाके थ्रोम्बस बना देती हैं। तो इसकी हिस्ट्री जो है एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज इसमें इंपॉर्टेंट होंगी कि वो पॉजिटिव होंगी, इसके अलावा हमारे पास SLE की हिस्ट्री होगी सारी की सारी और साथ हमारे पास थ्रोम्बोसिस होगी, तो हमारे पास ये सारा का सारा एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के अंदर आपने मजीद बताना। सो दिस इज ऑल अबाउट SLE जिसके अंदर हमने सारी चीजें डिस्कस की। और यस, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना भूल गया, इट इज मोस्टली कॉमन इन फीमेल बिकॉज ये रिप्रोडक्टिव एज के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें एसोसिएशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो वुमेन होती है उनके अंदर ये मोस्ट कॉमनली होता है, और एस्ट्रोजन इसका मेजर फैक्टर है जो कि मतलब इसमें कॉज करता है सारी के सारी एबनॉर्मलिटी, यानी इसका एक एनवायरमेंटल फैक्टर जो इसके अंदर ये सारे के सारे डैमेज हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इसका इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट SLE एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।